एनर्जी की प्रॉब्लम है। अरे वाह, अच्छा खासा रेशियो है। तो ये जो थायराइड है, थायराइड यहाँ पे जैसे ये फोटो में दिखाया गया है, गले के पास में या गले के अंदर एक छोटा सा बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड होता है जहाँ आप टेस्ट कराते हैं, जिसमें से आपका निकलता है T3, T4, TSH, और जनरली आप लोगों का क्या बिगड़ा हुआ होता है TSH, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, थायराइड दो तरीके का हुआ, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो जिसमें वेट गेन हो जाता है, हाइपर जिसमें हम सूख जाते हैं। तो ये जो कॉम्पैक्ट है ये आपका दोनों चीजों के लिए, क्योंकि हम डिजीज पे ना बात करके न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं कि जो कॉज है हम उसी को ही ठीक करेंगे, ठीक है। तो हमें लेना है हमारा कोकोनट ऑयल जो कि ईडेबल है, हम इसे खा सकते हैं रोज रात को एक चम्मच, आइदर सुबह खाली पेट एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ। एंड द गुड न्यूज इज दिस कि यहाँ पे जो मैंने नोनी लिखा है, तो आप कोकोनट ऑयल को एक चम्मच नोनी के पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। फिर है अश्वगंधा फॉर द स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आपको थायराइड है या आप जब थायराइड वाले पर्सन से बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी थकान महसूस करते हैं, है ना। तो हमें अश्वगंधा देना है फॉर स्ट्रेंथ, हमें देना है क्रिल ऑयल गुड फैट, हमें देना है नोनी ताकि उनके सेल्स रिजुवनेट हो सके, हमें देना है उन्हें डिटॉक्स, कैल्शियम और विटामिन डी। इसलिए किसी भी थायराइड वाले पर्सन से मिलोगे ना तो उसका कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, ये कभी भी उसका फुलफिल नहीं रहता है। तो ये थायराइड वाले पेशेंट को तो रिकमेंड करना ही करना है। एंड लास्ट में जो दिया गया है दैट इज प्रोटीन क्रस्ट, वो इसलिए ताकि वो अपने वेट को मैनेज कर सके, जितनी जल्दी उसका वेट मैनेज होगा उतनी जल्दी उसके डिजीज उससे दूर होगी। एट्थ वन